हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हियर इज़ द सेकेंड डे ऑफ 4 AM चैलेंज। और आज सुबह मैं 4:15 पर उड़ी थी, एक्चुअली 10 to 15 minutes लेट हो गया था। एंड देन उसके बाद मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कैमरा मैंने लगा के ट्राईपॉड में। उस टाइम मुझे लग रहा था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब कभी कभी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ऐसा लगता है, बट होता नहीं है वो। एंड अभी मैं जा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स इन वन शॉट वीडियो लेक्चर करने। मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ है शायद मेरा, तो जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। सो आई थॉट कि मैं फिर से एक बारी कर लूँ अच्छे से। तो अभी ये तो पूरा लेक्चर है 9 hours का, बट इतना तो मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं 2 या 3 घंटे का लेक्चर करूँगी, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके करूँगी, ठीक है, ताकि मेरे को भी डाइजेस्ट हो सके और मीन टू से अच्छे से मुझे आ सके। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह तो कंप्लीट हो चुका है, अभी चलते हैं लेक्चर्स अटेंड करते हैं। और आपको पता है कि नहीं पता है, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस और साथ लेकर आया है ढेर सारा मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विद मेगा ऑफर्स। तो अगर आप भी हैं प्रिपरेशन के इस सफ़र में जिसकी मंजिल है मेडिकल कॉलेज, और अपने इरादों को और मजबूत कीजिए पक्की तैयारी के साथ। एंड हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट में कॉम्पिटिशन रहा है, इसलिए पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटजी के साथ। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे जरूरी है गुड स्ट्रेटजिकल स्केड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। इफ़ यू डोंट नो, सो अभी चल रहा है विश्वास दिवस जिसका लास्ट डेट है 15th of March, मतलब आज है लास्ट डेट, जिसमें आपको मिल रहे हैं बहुत सारे बैचेस एट अफोर्डेबल प्राइस और बहुत सारे बैचेस के साथ डिफरेंट बैचेस, जिसमें 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2024 बैच अब 4800 में नहीं बल्कि 4199 में अवेलेबल है, जिसके साथ आपको मिलेगा 10th बीवी 2023 अर्जुना 2.0 2024 खजाना फ्री। और 12th के स्टूडेंट्स के लिए PW लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच 4800 की जगह 4199 में, और साथ ही आपको मिलेगा अर्जुना 1.0 2023 अर्जुना 2.0 2023 लक्ष्य नीट 2.0 2024 12th बीबी 2024 और खजाना फ्री। और आपके इसी जुनून को बरकरार रखते हुए PW लेकर आया है यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच 4900 की जगह सिर्फ 4299 में, और इसके साथ आपको मिलेगा ये ऑफर्स 12th बोर्ड बूस्टर बैच 2023 यकीन 2.0 2024 खजाना फ्री। और एक और बात, अगर आपके डाउट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप उसके लिए सारथी की हेल्प ले सकते हैं। ये 1 year प्लान है फॉर JEE नीट एंड ड्रॉपर के लिए, जो आपको मिलेगा 5000 में, बट अगर अभी आप लेते हैं तो आपको मिलेगा 3800 में, और फाउंडेशन के लिए ये जो है 3500 में, और अगर अभी आप लेंगे तो आपको मिलेगा 2800 में। सो देर किस बात की है, ऑफर चल रहे हैं अभी, उसका एडवांटेज लो बिकॉज कल को ये ऑफर आए ना आए। और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 15th of March तक ही वैलिड है। सो PW के कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, और कोर्सेज परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है ROL150, जिससे आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट किसको नहीं पसंद है यार, सो जब भी कोई कोर्सेज परचेस करो PW के मेरा ये कोड जरूर यूज़ करना। तो अभी मैंने लिया है ब्रेक, और ब्रेक में मैं खाने जा रही हूँ ये चॉकलेट। आई नो आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा, बट डोंट वेस्ट योर मनी बिकॉज ये चॉकलेट बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव मी बिल्कुल भी नहीं है। और नो वो क्या जा रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये और एक ये आई थिंक तो ये रॉकेट ही है। सो 3 hours 15 minutes के लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था, और अभी मैं जा रही हूँ जूस पीने, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जूस नहीं पिया था। आजकल रेगुलरली मैं जूस ले रही हूँ बिकॉज मेरे को इशू है, ब्लड की इशू है, हीमोग्लोबिन की इशू है इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ ये वाला चैप्टर रिवाइज करने। एंड बाय द वे, आप लोगों का 4 AM स्टडी चैलेंज कैसा चल रहा है, मतलब मेरे को ये जानना है कि वो उसमें आप लोगों को प्रोडक्टिविटी फील हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे तो हो रहा है यार, बिकॉज एक अच्छी हैबिट बनानी है, सो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड आप लोग बताओ, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं मैं रात में पढ़ता हूँ तो डे टाइम में ऐसा करूँगी तो मेरी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो देखो मैं नहीं चाहती
पर्सनली मैं नहीं चाहती कि अगर आप रात में अच्छा पढ़ पा रहे हो तो ये 4 AM चैलेंज करो, बिकॉज मैं नहीं चाहती यार किसी की रूटीन ख़राब हो, जो अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं वो सुबह उठ के पढ़ने लग जाएँ तो हो जाए। 4 AM स्टडी चैलेंज का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपनी हैबिट को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहती हूँ, ताकि मुझे लगे कि यार पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी आ रही है। और अपने साथ साथ में अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी हैबिट अच्छी बनाने चाहते हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था, ताकि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये गिव अवे भी है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अपनी हैबिट को भी अच्छा बनाएं। सो यही है रीज़न, बिकॉज आई फेल्ट इट कि कोई चैलेंज होता है तो चीज़ें अच्छे से हो पाती है और हमें लगता है कि हाँ हमें ये पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो इस वजह से मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। एंड अभी बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं कि मैं बिनर को कैसे चूज़ करूँगी, सो उसके लिए मैं अभी 2-3 दिन बाद ही या फिर 1-2 दिन बाद ही मैं 4 AM कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, जिसमें आप लोग आके कमेंट करोगे तो मेरे को पता ही चल जाएगा कौन 4 बजे उठ रहा है, कौन नहीं उठ रहा है। और बाकी आपको जो भी रूल है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब, और जो भी ये वीडियोज़ आ रही हैं 4 AM वाले, उसमें आपको कमेंट करना है आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, उस दिन क्या किया था, आपका डे कैसा था, वो सब बताना ही बताना है, बिकॉज आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने करा था। सो अब से जो भी 4 AM कम्युनिटी पोस्ट आएगा उसमें आपको अपना टू डू लिस्ट बताना है, और आप 4 बजे उठोगे तो आप तो डेफिनेटली बताओगे। सो या ऑल द बेस्ट। और अभी मेरा मॉक टेस्ट मैं दे रही थी, सो जो कंप्लीट हो चुका है, सो चलो अभी OMR फिल करने की बारी है, सो उसको फिल करते हैं। और अगर आप लोगों ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं करा है OMR फिलिंग, या फिर जहाँ भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन दे रहे हैं तो वहाँ तो करना ही पड़ता है, और ऑनलाइन दे रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस करो। और एंड इट्स 11, जो मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है अभी, और अभी टाइम है डिनर करने का। बट डिनर में मेरे पास क्या है देखो, बहुत टाइम बाद मैं पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ। लिटरली आई थिंक मुझे लग रहा है 1 मंथ हो ही गया होगा, अगर 1 मंथ नहीं हुआ होगा तो 2-3 दिन ही लेफ्ट होंगे, बाकी हो ही गया होगा। एंड आई लव पिज़्ज़ा, मेरे से कंट्रोल नहीं होता मेरा, बस चले तो मैं डेली खाऊँ, बट हेल्थ भी तो देखना है ना यार। और अभी मैं जा रही हूँ बायोलॉजी में जेनेटिक्स रिवाइज करने, और ये मेरा आज का लास्ट सेशन होगा। वेयर इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का 2nd चैप्टर। बाय द वे मैंने पूछा था आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी लगती है जेनेटिक्स, कुछ लोगों का ऐसा आंसर आया था कि प्लांट फिजियोलॉजी जेनेटिक्स दोनों अच्छी लगती है। मैं तो क्या बोलते हैं भौचक, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं, ये दोनों यूनिट कैसे अच्छा लग सकता है यार, कैसे। चैप्टर में करने जा रही हूँ, और ये चैप्टर अच्छा खासा टाइमिंग लेने वाला है, क्योंकि मेरी ये जेनेटिक्स ये वाला चैप्टर तो वैसे भी बुरा हाल है इसका। सो ठीक है, करते हैं। वैसे भी मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो ठीक है हम कर लेंगे, जितना हो पाएगा करेंगे, नहीं तो सुबह रिवाइज करेंगे, सो जाएंगे। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं इसको पूरा करके ही सोऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड या गाइस, मेरे को ना आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है 4 AM स्टडी चैलेंज ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों को ये हेल्प कर रहा है। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये हेल्प कर रहा है, एंड लाइफ करने में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने यही सोचा था। बट ओवरऑल जिसको पढ़ना रहेगा वो किसी भी तरीके से पढ़ेगा। सो या थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यही तो खो पाए, यहाँ से मुझे फिर से करना है। बट मुझे अभी बहुत तेज वाली नींद आ रही है, सो सुबह मैं उठ के कर लूँगी, बट अभी नहीं तो सुबह मेरी ख़राब हो जाएगी अगर मैं लेट सोऊंगी तो। सो आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड या प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।